Dear students, today I will continue the same topic that I had explained you in previous videos, that is name reactions, important name reactions of organic chemistry. Students, today I will discuss the very important name reactions, so please watch the video carefully. So student, hum start karte hain हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन से, जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड एल्डोल है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब है एल्कोहल. और एक्चुअली स्टूडेंट, इस रिएक्शन में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, इसीलिए हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं. जब आपको स्टूडेंट्स वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको मैं जो आज दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन कराने वाली हूँ, एल्डोल और कैनिजारो, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, या मैं आपको कई चीजें एक साथ बताने वाली हूँ. स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम हम एल्डिहाइड या कीटोन का नेम लेंगे. अच्छा, वो नेम भी मैंने स्टूडेंट्स कॉमन नेम भी ले रखे हैं और IUPAC भी ले रखे हैं, यानी हमें इस पे नोमेनक्लेचर भी सीखने को मिलेगी. यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कॉलम में हम बताएंगे कि उस मॉलिक्यूल के पास अल्फा कार्बन है या नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं. उसके बाद में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं, कैनिजारो देगा या नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको दो बात बताना चाहती हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसकी एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, कि उसमें जो हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होने चाहिए. और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है. एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है और दूसरे में उतना ही जरूरी है उसका नहीं होना. तो स्टूडेंट्स हम एक एक केस देखते हैं. फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम है स्टूडेंट्स. IUPAC नेम देंगे तो एक कार्बन की चेन बन रही है तो मैथ है, सिंगल बॉन्ड है तो N है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो L आ गया. अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है किसी और कार्बन से जुड़ा ही नहीं हुआ, यानी इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है. अब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं है. अब स्टूडेंट्स, इसके पास में जब अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो भाई एल्डोल तो देगा नहीं, लेकिन ये कैनिजारो जरूर देगा. ठीक है, अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स, बेंजल्डिहाइड का. बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाऊं तो वो इस तरह से मिलेगा. यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट्स 6 कार्बन हैं और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटके ये CHO ग्रुप जुड़ गया है. तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन यानी अल्फा हो गया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने कॉलम में क्या भरा इसके अंदर, कि इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये जो है एल्डोल भी नहीं देगा लेकिन ये कैनिजारो देगा. यानी स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है वो ऐसे कंपाउंड हो गए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगला देखते हैं हम एसिटल्डिहाइड. स्टूडेंट्स, ये कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम है इथेनल. फॉर्मूला है ये, यहाँ स्टूडेंट्स दो की चेन बनेगी तो हम इसको बोलेंगे एच, सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे N, और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोलेंगे L. फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, इसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. कितने अल्फा कार्बन हो गए, 1 हो गए. कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 हो गए. अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल तो देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा. अगला स्टूडेंट्स, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है स्टूडेंट्स प्रोपियोन एल्डिहाइड. IUPAC में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनैल. एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये है, 3 की चेन है
तो हम इसको बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा हुआ, ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो, यानी इसके पास अल्फा कार्बन तो एक है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन दो है, तो भाई ये एल्डोल देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट एसीटोन, ये कीटोन है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है इसका आईयूपीएस, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसके इधर भी अल्फा कार्बन है और इधर भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल अल्फा कार्बन कितने हो गए, टू हो गए, और तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स। स्टूडेंट्स ये जो यह है हमें एल्डोल कंडेंसेशन तो देगा, ये हमें एल्डोल कंडेंसेशन तो देगा, लेकिन हमें जो है वो कहाँ गया, एसीटोन हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, तो ये स्टूडेंट्स हमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, कितने की चेन बन रही है, तीन की, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोनिक ग्रुप है तो ओन कौन से नंबर पे है, टू पे है। अगला केस स्टूडेंट हमारा आता है एसिटोफिनोन, जो आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा, मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब आप देखो कि इसके पास में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन तो कितने हो गए, दो हो गए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तीन ही है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, यानी इसके पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है लेकिन यहाँ है, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास में हो गई है, यानी कि ये एल्डोल देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन वर्सेस कैनिजारो, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स वैसे तो डिटेल में बताऊंगी, अभी फिलहाल हम इसका थोड़ा इसको सुपरफिशियल नॉलेज ले लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स जो होते हैं ये वो एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर जरूर होने चाहिए, कम से कम एक, जबकि कैनिजारो रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स ये तो केवल एल्डिहाइड ही देंगे, कीटोन देंगे ही नहीं, और अगर कीटोन भी देते हैं, कीटोन देंगे ही नहीं और केवल एल्डिहाइड देंगे, और ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, इनके पास होनी चाहिए कम से कम एक, और इनके पास एक भी नहीं होनी चाहिए। इस केस में स्टूडेंट्स जो है हमें वीक बेस की जरूरत पड़ेगी, यानी हम डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड लेंगे तो वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और हमें कैसा बेस चाहिए, यहाँ पर वीक बेस चाहिए। ठीक है, जबकि जब हम कैनिजारो रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें जो बेस चाहिए वो कंसंट्रेटेड चाहिए, या तो हम NaOH ले लें या हम KOH ले लें, फर्स्ट ग्रुप का लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी, एल्डोल कंडेंसेशन में डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होता, यानी कि इसमें कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है उसका रिडक्शन भी हो जाता है और उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक रिडक्शन के कारण और एक ऑक्सीडेशन के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको ब्रॉडली आपको बता दिया कि इन दोनों के जो है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है, अल्फा कार्बन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं, और किन कंडीशंस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है और किन कंडीशंस में कैनिजारो होता है, वो हम इनकी डिटेल कर लेते हैं, इजी रहेगा अब हमारे लिए। एल्डोल कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, या तो एल्डिहाइड के या कीटोन के। ठीक है, उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए, तो डाइल्यूट बेस या वीक बेस की प्रेजेंस के अंदर उनमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम एल्डोल कहते हैं, और अगर कीटोनिक ग्रुप होता है तो स्टूडेंट उसको हम कीटोल भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, एक बार आप ट्रिक समझ जाओगे इस इक्वेशन को लिखने की तो आप अपने आप करते रहोगे। एसिटल्डिहाइड लिया स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया CH3CH होता है, इसको हमने इस तरीके से लिखा कि C डबल बॉन्ड O का जो O है वो ऊपर की तरफ आ जाए।
ठीक है। दूसरा जो हमने CH3 CHO लिया मॉलिक्यूल, उसको हमने इस तरीके से लिखा कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन ये ऊपर की तरफ आ जाए और बाकी मॉलिक्यूल हम ऐसे ही लिख देंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट हमें करना कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड हटाना है और इस एच को यहाँ जोड़ना है और जो रिमेनिंग पार्ट है मॉलिक्यूल का उसको हम सीधा कोवेलेंट से जोड़ के चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये सी एच थ्री है तो यहाँ पर भी सी एच थ्री है, ये सी एच है तो यहाँ भी सी एच है, यहाँ पर ओ एच बन रहा है तो यहाँ पर भी ओ एच बन रहा है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखो कि सी एच टू आ गया, सी एच और सी एच टू आपस में जुड़े हुए हैं और इस सी एच टू से क्या जुड़ा हुआ है, सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का पहले हमें एडजस्टमेंट करनी है स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों मॉलिक्यूल एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो हमें अपने आप ही प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। अगले केस में हम प्रोपेनॉल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा हमें समझ के करना है, इस मॉलिक्यूल को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगले मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स हमें अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर लिखना है, हम इसको नहीं लिख सकते, ये तो बीटा हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ एल्डोल मिल जाएगा, एक एल्कोहल और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा। अगला स्टूडेंट हम केस ले लेते हैं दो कीटोन का, दोनों कीटोन एक जैसी हैं, यानी हमने एसीटोन लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले वाले मॉलिक्यूल को तो हम ऐसे लिखेंगे कि सी डबल बॉन्ड ऊपर आ जाए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखेंगे कि उसकी अल्फा हाइड्रोजन ऊपर चली जाए। तो अब देखो एसीटोन का फॉर्मूला तो ये था ना, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो ये जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को हम एल्डोल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोल, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो भी एल्डिहाइड नहीं है, कौन है, कीटोन है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हमें इसका IUPAC नेम देना पड़ जाए तो हम इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, ये हो गया हमारा वन, नंबरिंग करती हूँ मैं, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, यानी फोर नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। और यही एक चीज और लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ होना था 4-methyl, ठीक है। चेन कितने की बन रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी 1, 2, 3, 4, 5, चेन 5 की बन रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गया पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया। कीटोनिक ग्रुप है तो क्या आ गया, ओन आ गया। और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी कहानी हो गई किसकी, कि एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ कंडेंसेशन की बात हुई है, यानी हम एक ही तरह का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो ही आपस में कंडेंस होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे कंडेंसेशन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स अगले केस पर आते हैं हम, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी हम दो डिफरेंट काइंड्स के एल्डिहाइड या कीटोन्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो केस बनते हैं, क्या केस बनता है स्टूडेंट्स, कि जो दो एल्डिहाइड थे उसमें से एक के पास में जो है वो एक जो है दो में से जो एक है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम रखता है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रखता। दूसरा केस स्टूडेंट वो है जिसमें दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन एटम रखते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सपोज करो स्टूडेंट्स हम फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, HCHO, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CHO, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट्स, तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर हमारे पास में, तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगी। तो स्टूडेंट्स अब देखो जो हमने ये अरेंजमेंट किया था ना, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है ना वो तो हम उस मॉलिक्यूल का करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इस तरह का अरेंजमेंट उसके साथ करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो अब अगर स्टूडेंट्स हमें इसकी रिएक्शन को देखना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तब आपको मिलेगी ये रिएक्शन, और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स तो वहां मिलेंगे आपको ये रिएक्शन। अब जैसे हमने सपोज करो स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जबकि इसके पास में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गई, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन देगा,
वही तरीका है स्टूडेंट्स, इसमें हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको हम पहले लिख लेंगे, और जिसके पास है उसको बाद में लिख लेंगे, जिसके पास है उसकी अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर लिखेंगे, जिसके पास नहीं है उसका सी डबल बॉन्ड ऊपर लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये वाला जो है एच इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें ना एक्चुअली हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेल्फ कंडेंसेशन से और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। देखो स्टूडेंट्स, एक प्रोडक्ट तो ये हमें मिल ही रहा है, और ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्डोल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा एल्डोल से बन रहा है, क्रॉस से बन रहा है। अब स्टूडेंट सेल्फ कंडेंसेशन भी तो हो सकता है, बेंजल्डिहाइड में तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास सल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड के अंदर सेल्फ कंडेंसेशन होके प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स हैं, तो हमें ऐसे लेने हैं जो डिफरेंट हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम भी डिफरेंट हो, और ऐसी स्थिति में हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक क्रॉस एल्डोल के कारण और एक हमें मिल रहा है स्टूडेंट इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन से। अगला केस स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने दो ऐसे एल्डिहाइड्स लिए हैं जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स हमें चार तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेन ले रहे हैं, तो एसिटाल्डिहाइड सेल्फ कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोपेनल भी सेल्फ कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनाएगा। फिर स्टूडेंट्स एक बार हम अल्फा हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल करेंगे प्रोपेनल की, एक बार हम अल्फा हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल करेंगे एसिटाल्डिहाइड की, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो क्रॉस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और टोटल दो क्रॉस प्रोडक्ट्स हो गए और दो सेल्फ कंडेंसेशन के हो गए, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिल गए हमको, चार मिल गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, अगर हम सेल्फ कंडेंसेशन कराते हैं केवल तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, अगर हम क्रॉस एल्डोल कराते हैं और उसमें से एक के पास अल्फा है और एक के पास नहीं है तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर दोनों के पास अल्फा है तो हमें चार प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपनी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में दो तीन बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, पहली बात कीटोन नहीं देंगे, दूसरी बात एल्डिहाइड्स देंगे, और वो एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हरगिज नहीं होनी चाहिए, और जो बेस लेंगे स्टूडेंट्स वो स्ट्रॉन्ग लेंगे, यानी हम कंसंट्रेटेड NOH लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था स्टूडेंट्स, अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है CH2OH, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन, सॉरी ऑक्सीडेशन करते हैं स्टूडेंट तो हमें मिलता है एसिड। यानी कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से एल्कोहल मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से हमें एसिड मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में ये CHO ग्रुप आ गया, इस CHO ग्रुप का हमने रिडक्शन करा तो हमें क्या मिला, HCH2OH। हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, CHO को हटा के क्या लगाना है, CH2OH लगाना है, और दूसरा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमें मिलता तो ये HCOH, ठीक है। इसी CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम कंसंट्रेटेड NOH ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, यानी कि सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगला केस लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड का, तो इस केस में भी देखो CHO के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक CH2OH और एक CONA। अब स्टूडेंट्स यहाँ NA क्यों आया, क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड NOH लिया, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड KOH ले लेती तो NA की जगह यहाँ क्या आ जाता, K आ जाता। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाई, दोनों रिएक्शन आपके समझ में आ गई होंगी। अब दो तीन रिएक्शन और है स्टूडेंट्स, वो भी हम समझ लेते हैं। इसमें से एक रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हमारी आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स आप इसको कंफ्यूज मत करना गेटरमैन रिएक्शन से, जो हमने सैंडमेयर के साथ करी थी, ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। ये कमर्शियल मेथड है बेंजल्डिहाइड को बनाने का, और इससे बेंजीन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। जो इसके रिएजेंट्स और रिएक्टेंट्स है स्टूडेंट्स वो बहुत ही थोड़े टफ से पढ़ेंगे आपको, एक तो है CO+HCl, दूसरा है एनहाइड्रस AlCl3, और चौथा है CuCl। इन चारों की कंडीशन में बेंजीन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड,
तो स्टूडेंट्स एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड बताओ पेंजल्डिहाइड बनाने का, तो एक तो हो गई हमारी इटार्ड रिएक्शन होगी और दूसरी स्टूडेंट्स जो है ये हमारे होगी गेटरमैन कोच रिएक्शन होगी। ठीक है, जो हमारी इटार्ड रिएक्शन थी स्टूडेंट उसमें हमने टोलुइन से बनाया था और टोलुइन से हमने क्या बनाया था बेंजल्डिहाइड बनाया था और यहाँ हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर स्टूडेंट जो एनिलीन होता है ये एनिलीन है ये रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में NaNO2 और HCl और ये दोनों रिएक्शन करके स्टूडेंट्स क्या बना देंगे ये H इधर आ जाएगा और Na इधर आ जाएगा तो HNO2 बन जाएगा। तो जो ये रिएक्शन है वो HNO2 और HCl की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा स्टूडेंट्स 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो सैंडमेयर गेटरमैन बेल्जशीमैन में काम आ रहा था, कपलिंग रिएक्शन के अंदर काम आ रहा था, तो ये वही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये उसका सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे बन रहा है और एनिलिन से हमने क्या बनाया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया और साथ में यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम अगली नेम रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स और वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। ये एमीन बनाने का मेथड है, इससे हम स्टूडेंट्स एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं 1 डिग्री एमीन बनाते हैं लेकिन हम इसमें एरोमेटिक नहीं बना सकते, अभी मैं आपको समझाऊंगी, और एलिफेटिक बना सकते हैं यानी 1 डिग्री एमीन बनेगी और एलिफेटिक बनेगी। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये थैलेमाइड लेते हैं स्टूडेंट्स, ये थैलेमाइड क्या होता है मैं थोड़ा जगह बना लेती हूँ रब कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपका ये कंपाउंड लेती हूँ स्टूडेंट्स तो इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, अब इस थैलिक एसिड्स का जो एमाइड है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये रहा थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स कैसे होगी, एक्चुअली मैं आपको थैलेमाइड के बारे में बताऊं तो ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकती थी स्टूडेंट, सॉरी इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती थी स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ लिखती, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ लिखती, यहाँ ओ एच लिखती, यहाँ ओ एच लिखती। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया और इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, एन एच लगा दिया, तो ये बन गया थैलेमाइड, थैलिक एसिड का एमाइड बन गया। एल्कोहलिक क्यू एच के साथ रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, इसका एच निकल जाएगा और इसका ओ एच निकल जाएगा, तो यहाँ इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, के जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स हम एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं तो ये KX निकल जाएगा और ये R ग्रुप जो है वो N से जुड़ जाएगा, N से जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टूडेंट्स तो H इधर आ जाएगा, OH इधर, H इधर, OH इधर। स्टूडेंट्स कुछ पोर्शन जो है इसमें आपको नहीं दिख रहा तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अल्टीमेटली देखो स्टूडेंट्स ये वाली चीज देखो आप, ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई RNH2 बन गई यानी 1 डिग्री एमीन बन गई। और अगर मैं इसको रिमेनिंग पार्ट को देखूं तो बोलो स्टूडेंट्स क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया ये वाला कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ एक आपका ना रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि इससे हम जो है एनिलिन क्यों नहीं बना सकते, जो हमने ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन ली है इसमें हम RX तो बना सकते हैं लेकिन हम ARX नहीं बना सकते, सॉरी RNH2 तो बना सकते हैं लेकिन ARNH2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो एल्काइल हैलाइड तो देते हैं लेकिन एराइल हैलाइड नहीं देते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स दो नेम रिएक्शन और रह गई है हमारी जिसमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कन्वर्जन में काम आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में वाटर ऐड होगा एल्कीन से, सपोज करो ये हमारी एल्कीन है और ये डाइबोरेन यानी B2S6 जिसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट ईयर किया था उसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड NaNH। स्टूडेंट्स पेरोक्साइड को देखते ही हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल याद आता है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस रिएक्शन का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या होता है कि मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स हम इस ग्रुप को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, CH2CH2OH में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
और यहाँ पर एक तरह से आप ये याद रख लो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल हमें वाटर ऐड करना है। ये देखो वाटर ऐड करने का मतलब HOH, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ जोड़ना था H को, तो OH यहाँ आ जाता। लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, इट मीन्स ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली आती है ऑक्सो मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये भी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताई है स्टूडेंट, इसमें भी एल्कीन लेते हैं लेकिन यह मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड हो जाएगा, तो एच इधर आ जाएगा, ओ एच इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास में ये आती है अगली रिएक्शन, सॉरी बैक ही जाना पड़ेगा हमको, ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सो मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, और लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट हमारी आ गई आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म बनता है और ये वो एल्कोहल्स बनाएंगे जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा, और वो कीटोन्स बनाएंगे या एल्डिहाइड्स बनाएंगे जिनके पास ये ग्रुप होगा। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स इसकी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये एल्कोहल लिया इथेनॉल, तो हमने देखा इसके पास तो ये ग्रुप है। अगर इसको मैनोएच और आयोडीन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमें येलो कलर का आयोडोफॉर्म तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जब स्टूडेंट एच है ना, तो आप यहाँ पर एच सी यू एन ए बना देंगे। ठीक है, एक कार्बन एटम का क्या बना दोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दोगे। अगले केस में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एच था, मैंने यहाँ आर ले लिया है, सेम रिएक्शन होगी, आयोडोफॉर्म बनेगा, लेकिन जहां हमारा एच सी ओ एन ए बन रहा था उसकी जगह पर अब आर सी ओ एन ए बन जाएगा। अगर कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो मैंने ये ले लिया, तो एक तो प्रोडक्ट ये बनना ही था और दूसरा प्रोडक्ट भी ये बनना था आर सी ओ एन ए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिएक्शन आप देखना चाहें देख ले, अगर हम आयोडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ कराते हैं तो हमें एसिटाइलिन मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट नेम रिएक्शंस। आपका नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। नेम रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स मैंने 3 वीडियो बनाई, और इसमें स्टूडेंट्स हमने लगभग जो है कितनी वीडियोस कवर कर ली है, 41 नेम रिएक्शंस हमने इसमें कवर करी है, और जनरली एग्जाम में यही से पूछी जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।